न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के साथ। अभी हम आए हुए हैं, ये रोड है आपको जैसा दिख रहा होगा, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार रोड को दिखाएं। यह रोड है सलटौआ से भिरिया जाने वाली, ये मार्ग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डामर रोड होगा जब ये बना रहा होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से और किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, और आज की स्थिति ये है। आप लोग देख सकते हैं इसमें डामर तो नहीं, केवल गिट्टी दिखाई दे रही होगी और आपको यहाँ धूल और कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। गिट्टियाँ आपको दिख रही होंगी, ये सारी गिट्टियाँ पूरे रोड पे आपको इसी तरह की अब गिट्टी आपको दिखाई दी जाएगी। यहाँ से लेके सलटौआ से लेके ये मुख्य मार्ग कहीं ना कहीं ये भिरिया का है, जिससे करीब यहाँ से काफ़ी गांव जुड़ते होंगे, जो कि भिरिया मार्केट है, बड़ी मार्केट है भिरिया की। काफ़ी लोग दिन प्रतिदिन यहाँ पे आते होंगे और यही मुख्य मार्ग है इन लोगों का सलटौआ जाने का, और जो सलटौआ से भिरिया आने वाले होंगे उनका। आप लोग देख सकते हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं, ये आपको रोड एकदम टूटी हुई आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामियाँ ही दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि हम रोड को गड्ढा मुक्त कर देंगे, यहाँ तो गड्ढे में रोड या रोड में गड्ढा है आपको खुद देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप आते जाते लोगों को भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी यहाँ पे परेशानियाँ लोगों को होती होंगी आने जाने में। इसकी जवाबदेही किसके पास है और कौन देखेगा? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये थ्री व्हीलर जा रहा है, इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को ही दावत दे रही हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? गंगाराम जी, कहाँ के निवासी हैं आप? सिखुइया के। इस ये रोड कितने दिन पहले बना हुआ था? तब से यहाँ पे कोई नहीं आया कोई इसको देखने के लिए? अब सुनो, बनने वाला है भाई, सुन रहे हैं बनने वाला है। कब तक बन जाएगा कुछ पता है? खम्भा लगाए हैं बनाने के लिए। बनेगा चौड़ाई इतनी होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को परेशानी तो होती होगी आने जाने में? परेशानी तो ये रोड कितने दिनों से टूटा हुआ है? बहुत जमाना हमारे, मैंने कहा 200 साल में हुए। अनूप पांडे विधायक रहे उसके पहले से। अनूप विधायक थे, अनूप पांडे जी, उसके पहले बना हुआ था। मनोज तिवारी भी आए थे यहाँ इसमें तो कहे थे कि कमर टूट गई है, देवी पार से भी आते जाते। मनोज तिवारी अध्यक्ष दिल्ली के। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये गंगाराम जी थे, यहीं के निवासी हैं। बता रहे थे कि यहाँ पे जो बीजेपी के अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, जो दिल्ली के थे, वो भी यहाँ पे आए थे और खुद बोल के गए थे कि हम सलटौआ से और भिरिया तक आए तो हमारी कमर टूट गई। उनको एक दिन आने में, 15 से 20 मिनट आने में उनकी कमर टूट सकती है। आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ आम लोगों का क्या होता होगा, जो कि रोज यहाँ पे सुबह शाम उनको आना ही होता होगा, क्योंकि उनका यही मुख्य मार्ग है। कहीं ना कहीं इस चीज को सरकार को देखना पड़ेगा, और जो सरकार के रहनुमाए हैं उनको यहाँ तक आना चाहिए और देखना चाहिए, और कम से कम इस चीज को अगर गड्ढा मुक्त हो तो योगी सरकार का कहीं ना कहीं फजीयत होने से बचेगा। और कहीं ना कहीं जो योगी जी इस चीज का दावा करते हैं, उनके ही कहीं ना कहीं अधिकारी या उनके जो रहनुमा हैं, कहीं ना कहीं वो उन्हीं की ये गलती है कि ये प्रस्ताव वहाँ तक जाता ही नहीं होगा, लोगों को ये दिखाते ही नहीं होंगे कि यहाँ पे भी कोई परेशानी होगी। आप आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के साथ।